तो आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, तो आज जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले वो है फिर से एक आयुर्वेदिक सिगरेट का और ये डिफरेंट फ्लेवर में है। तो पिछले वाले वीडियो पे मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था वो था भाई ये मिंट फ्लेवर का। तो आप लोग ने अनबॉक्सिंग अगर नहीं देखा है तो वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग फिर से कंपैरिजन करने वाले एक नॉर्मल सिगरेट के अंदर कि क्या रहता है। वैसे आप सबको पता है कि नॉर्मल सिगरेट के अंदर वैसे ही टोबैको रहता है और जो भी है आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्लोव फ्लेवर का, इसी का, ठीक है ना, रॉयल स्वैग का आयुर्वेदिक सिगरेट, नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो आज हम लोग किसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको आज मैं इन दिस वीडियो मैं थोड़ा सा पी के बताऊंगा। वैसे आप लोगों को रिकमेंड तो नहीं करूंगा लेकिन फिर भी क्या करूं यार, आप लोगों के लिए करना पड़ता है। तो बिना किसी लेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग पे और टेस्टिंग पे। और इसका आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एक शॉर्ट रिव्यू भी दूंगा इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ये पिछला वाला आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। इसको अभी साइड में रखते हैं और आज हम लोग इस नॉर्मल सिगरेट को जो हर कोई पीता है इसके साथ हम लोग इसका क्लोव फ्लेवर का टेस्ट करने वाले हैं। वैसे प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को जब मैं इसको कट करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। वैसे पिछले वाले वीडियो में तो मैंने बताया था लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। तो बिना किसी लेट के इसको अनबॉक्स करते हैं अपने देसी स्टाइल में। चाबी घुसा घुसो नहीं, इधर से नहीं होगा तो इधर से कर देते हैं, इतना आता है। और हाँ गाइस, अगर आप लोग एक बार ऑर्डर कर लिए तो इसके बाद आप लोगों को लगता है कि इसको आप लोग ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यूज करने के बाद आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इन लोग का रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो बहुत ही मशक्कत करने के बाद हम लोग को इसके बॉक्स के अंदर एक मिलता है स्प्रे जो एक रॉयल स्वैग के तरफ से आता है। वैसे फिर से मैं बता दूं गाइस, अभी फिलहाल मैं इसको साइड में फिर से मैं बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और यहां से दो डब्बा आप लोग को निकल जाता है और कुछ नहीं देखने को मिलता। और इधर मेरा बिल है तो मैं यहां पर क्या आप लोग को अपना एड्रेस दिखाऊं, नहीं ना। तो यहां पर ये दिया हुआ है तो इसको भी साइड में रखता है। और ये स्प्रे पिछले बार से कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया, वैसे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा ना ही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। कुछ इस तरीके से निकालना है और ये बहुत ही गंदा पाया स्मेल है, छी यार, हटाओ इसको। तो फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये दो प्रोडक्ट है क्लोव फ्लेवर में और इसके अंदर क्या क्या है आप लोग को दिखा देता हूँ, जूम करके देख लीजिए। यहाँ पर है क्लोव, ग्रीन टी, मुले टी, तुलसी, ये कौन है भाई, सिनेमम, ये कहा है पता नहीं भाई। आप लोगों को पता होगा तो इतना अंग्रेजी अगर पढ़ लेते तो भाई बोर्ड्स में अच्छा नंबर नहीं आ जाता, तो वैसे मेरा अच्छा नंबर आया था। तो फिलहाल अभी इसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना, और इसका हम लोग को कितना प्राइस पड़ा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये मुझे दो पीस पड़ा है, अराउंड 10 पीसेस है इसके अंदर, फाइव पीस इसके अंदर है अराउंड पड़ा है मेरे को 279 सुपर कॉइन्स लगा के। और ये पिछला वाला जो था मेरे को तीन डब्बे मैंने ऑर्डर किया था, 300 का पड़ा था, 100 रुपीज़ का एक एक डब्बा था। और डिलीवरी चार्ज नहीं लिया था बिकॉज तब मैं प्राइम मेंबर था, अभी कंगाल हो गया हूँ क्योंकि तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो फिलहाल इसको एक डब्बा हम लोग खोलते हैं, वैसे सेम ही है लेकिन हम लोग एक डब्बा को ओपन करते हैं। और यहाँ पर ओपन करने के बाद ठीक है प्रोडक्ट को अभी साइड में रखते हैं पन्नी को और इधर निकल। भाई ये तो स्कैम हो गया। तो इसके अंदर हम लोग को ये पांच मिलता है। साला मुझे क्या लग रहा है कि गांजा टाइप का फील आ रहा है भाई, बिजोड़ गांजा टाइप का फील आ रहा है, लेकिन ये गांजा नहीं है। इसका सुगंध ही आप लोग, मैं यहाँ से सुगंध को स्मेल कर पा रहा हूँ कि ये ग्रीन टी जो होता है उसका स्मेल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है 5 पीस, ठीक है जूम कर देता हूँ, ये देखिए 5 यूनिट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग का मेन जो प्रोडक्ट है ये रहा। और ये एक नॉर्मल सिगरेट के तरह ये 6 रुपये का आता है, टेढ़ा का है, हो गया सीधा रहना, ये 6 रुपये का आता है और ये अराउंड मेरे को पड़ा है 10 रुपीज़ का, मतलब आप समझ सकते हो ठीक है। पहले ये 10 रुपीज़ में मिलता था, अभी ये 15 रुपीज़ का सिंगल पीस हो गया। और साइज में आप लोग देख सकते हैं कि साइज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसके थोड़ा सा बड़ा है हल्का सा, एक उंगली मेरा इतना सा। गाइस जैसे मैं बोल रहा था कि इसके अंदर एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है, मैं आप लोगों अभी मैं इन दोनों को कट करूंगा ठीक है। इसके अंदर क्या आप लोग को माल पुड़िया देखने को मिलता है, मतलब सिंपल टर्म्स में इसके अंदर क्या आप लोग को मतलब क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर जो मतलब माल मसाला रहता है और इसके अंदर क्या माल मसाला है इसको हम लोग दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास मतलब काटने के लिए कुछ औजार नहीं है, तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि इसके ऊपर ही मैं इसको थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ, बिकॉज इसको थोड़ा सा मेरे को पी के दिखाना। वैसे मैं ये नहीं पीऊँगा लेकिन ये मैं पीऊँगा बिकॉज ये इतना मेरे को स्मेल गंदा लगता है, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर इसको मैंने फाड़ लिया ठीक है। वैसे आप लोगों को कलर से पता चल ही जाएगा ठीक है कि ये कौन सा और वो कौन सा है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ। वैसे पेपर का क्वालिटी इसमें भी अच्छा है और इसमें भी अच्छा है, मतलब क्या ही बोले यार, लिखने वाला पेपर थोड़ी है कि भाई अच्छा होगा।
तो फिलहाल अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप लोगों को दोनों को देख के ही पता चल रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है ये प्योर टोबैको है, ठीक है, जो हम लोग को हार्म करता है, मतलब जिन लोगों को मतलब नशा टाइप का होता है वो बहुत ज़्यादा उन लोग का रहता है। और ये है, ठीक है, नेचुरल चीज़, मतलब टोबैको ये निकोटीन है, ठीक है, इसमें निकोटीन है, इसे निकोटीन फ्री ये लोग ऐसा दावा करते हैं। लेकिन मैं गाइस आप लोगों को ये चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई ये मतलब आप लोग इसको छोड़ने के लिए इसको पियो, बिकॉज दोनों में तो धुआं आपके अंदर जा ही रहा है, आप लोगों को तो मतलब फेफड़ों में आपके लंग्स में तो धुआं जा ही रहा है, तो दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन गाइस जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं या फिर यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं दिखाने के लिए, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये इसका एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। जो लोग को मतलब सिगरेट का ये नहीं है, बस 100 बजे करना है तो ये वाला पी सकते हो बस दिखाने के लिए। लेकिन गाइस रिकमेंड नहीं करूँगा कि दारू सिगरेट या फिर गांजा टाइप का ये सब कुछ मत पियो, बिकॉज ये तुम्हारे शरीर पर बहुत ज़्यादा हार्म करता है। वैसे मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन तो फिर बोलेंगे कि कमेंट में आके कि ज़्यादा ज्ञान मत दे तू, पी के बताना। लेकिन गाइस देखो, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये वाला पीऊँगा, लेकिन इसमें मेरे को रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज मैंने कभी नहीं पिया, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है। और इसका आप लोग कलर में डिफरेंस दे सकते हो कि क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आयुर्वेदिक जो भी चीज़ है वो सब दिया हुआ है, मतलब मुलेटी, तुलसी, और मैं यहाँ पर इसका स्मेल भी ले सकता हूँ, मतलब स्मेल इसका बहुत अच्छा खासा आ रहा है, दूर से एकदम अच्छा है। मैं एकदम वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मैं 5 मीटर के डिस्टेंस में बैठा हूँ और बहुत ही अच्छा इसका स्मेल आ रहा है, ठीक है। जैसे ग्रीन टी होता है उसका स्मेल बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन इसका स्मेल एकदम वाहियात आ रहा है। तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं और एक क्विक आप लोग को थोड़ा सा इसको मैं पी के बताता हूँ कि कैसा है, ठीक है। तो गाइज अभी फिलहाल तो यहाँ पर यही सिगरेट को मैं थोड़ा सा पी के बताऊँगा। वैसे स्मेल वाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों को साइड बाय साइड अगर स्मेल करूँ इसका स्मेल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसमें आयुर्वेदिक का जो भी सामान है वो मैं अच्छे तरीके से स्मेल कर पा रहा हूँ। और ये साइड में बहुत वाहियात लग रहा है यार, गाइस सीरियसली कह रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को पी के दिखाता हूँ, ठीक है। तो वैसा नहीं पीऊँगा, मम्मी बहुत मारेगी, जो भी मेरे वीडियोज़ देखेंगे ना बहुत मारेगी, ये वीडियो देखने के बाद मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेगी। तो इसको मैं हल्का सा जला लेता हूँ, ठीक है। कोई कमेंट मत करना कि भाई पीने वीने नहीं आता, सही में मेरे को पीने नहीं आता। तो इसको मैं ये पुराने वाले रॉयल जैक के डब्बा में इसको गिरा देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। और एक सिंपल सा कहूँ तो जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग का अगर मैं बोलूँ, इसका जो स्मेल है आफ्टर स्मोकिंग करने के बाद एक मुंह के अंदर जो चीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है ना, मतलब एक वाहियात टाइप का स्मेल आता है। मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं या फिर जो मतलब स्मोकिंग करते हैं भैया लोग हैं, तो उन लोग से मैंने जब पूछा था तो कि स्मोकिंग करने के बाद आफ्टर कुछ टाइम ये बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है, मतलब एक अलग से टाइप का उल्टी टाइप का फीलिंग आता है, जो नया नया ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर इसको मैं पीने के बाद मुझे मेरे मुंह के अंदर ऐसा टाइप का कुछ फील आ ही नहीं रहा है कि भाई वो स्मोकिंग टाइप का कुछ गंदा टाइप का फील आ रहा है। ऐसे आपके मुंह से धुआं तो निकला है, लेकिन वो जो स्मेल है वो आयुर्वेदिक का पूरा एकदम मतलब मुलेटी, तुलसी और पूरा ग्रीन टी का आ रहा है, ठीक है। तो इतना सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो गाइस देखो, जो लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं या फिर एक्शन वीडियो बनाते हैं या फिर ऐसे करके मुंह पे रख के भाई थोड़ा सा वो ड्रामा टाइप का शॉर्ट्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, उन लोग के लिए बेस्ट है। लेकिन गाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसको पिए, आप लोग इसको प्रमोट करें, लेकिन ये अल्टरनेटिव है एक सिगरेट का। और जितना भी बॉलीवुड में सिनेमास वगैरह बनता है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। वैसे आप लोग देख सकते हैं इसको एज ए बनाया गया है सिगरेट की तरह एकदम रॉयल टाइप का, तो इसलिए इसका नाम रॉयल स्वैग रख दिया, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, इसका जो सिगरेट का स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लोव फ्लेवर वाला। इससे पहले वो मिंट फ्लेवर का जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था इसका, 5 यूनिट्स का ही आता है, तो उसमें जो इसका मतलब मिंट था उसमें इसके लास्ट में एक मिंट टाइप का था जिसके दबाने से उसको मिंट वाला फ्लेवर आता है। और इसमें भी है, इसके लास्ट में जो इसका जिसको बोलते हैं फिल्टर, ये फिल्टर में यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग जब पिए मतलब पीजिएगा तो इसको ऐसे करके पी के इसको दबा दीजिएगा तो वो क्लोव फ्लेवर फट जाएगा, एंड आप जब स्मोक कीजिएगा तो आपके मुंह से क्लोव वाला फ्लेवर आएगा आप लोग जब भी टॉक कीजिएगा आफ्टर सिगरेट पीने के बाद। और गाइस ये जो दिया हुआ स्प्रे, ये मैं आप लोगों को एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो स्प्रे आप लोगों को मिलता है निकोटीन, नो टोबैको नो निकोटीन निकोटीन वाला है लिक्विड स्प्रे, ये एकदम वाहियात है। बिकॉज इसको पीने के बाद आप लोगों को लगता है, मतलब बोला जाता है, ये लोग दावा करते हैं कि जब भी आप लोगों को सिगरेट पीने का तरफ हो, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिगरेट पीना है, तो आप इसको थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में स्प्रे कीजिएगा, तो आप उसके बाद फिर इसको पीजिएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो गाइज
गाइज एकदम मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, एकदम मत लेना, लेकिन हाँ आप लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन प्राइस के मामले में थोड़ा सा हाइक है। इसके अल्टरनेटिव में बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन में सर्च कीजिएगा आयुर्वेदिक सीक्रेट, तो आप लोग को लाखों मिलेगा, ढेरों मिलेगा। लेकिन गाइज सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जो पिछले वाले वीडियो में इतना ज्यादा कमेंट किया था कि भाई सिगरेट पी के दिखाओ, तो मैंने पी के दिखाया, मैं पूरा नहीं पी सकता बिकॉज मेरे भी कुछ लिमिटेशन है मेरे फैमिली का, ठीक है। और ये सिगरेट मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ एज फॉर शूटिंग YouTube videos, फिल्म मेकिंग, शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्री एंड और भी जो अदर्स, मतलब आप लोग ये के लिए वीडियो इसके लिए शूट कर सकते हैं उसके लिए। और गाइस अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो में आप लोगों को रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।